हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नए तरीके से पनीर की भुर्जी, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि आपने ये अंडे से बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, आप दूसरा कोई तेल भी यूज कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे जीरा आधा चम्मच और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग, जिससे जो हमारी पनीर भुर्जी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। जीरा अच्छे से हमारा ब्राउन हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिसको हमने इमाम दस्ते में कूट लिया है। जीरे को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, जो कि हमने 2 प्याज को बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम हल्का हल्का गुलाबी भुनेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हम अच्छे से प्याज के अंदर भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर, जो कि हमने बारीक कट कर लिए हैं, लेकिन बीज को हमने टमाटर के अंदर से निकाल लिया है। टमाटर को भी हम हल्का हल्का भूनेंगे। ज्यादा देर हम टमाटर को नहीं भूनेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। स्वाद अनुसार कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच। सभी मसालों को हम अच्छे से टमाटर प्याज के साथ भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम पनीर, जिसको हमने हाथ से क्रश कर दिया है। बिल्कुल अंडे जैसी भुर्जी बनाने के लिए हमने हाथ से ही पनीर को क्रश करना है। अगर हम घिया कस में पनीर को कस कर डालेंगे तो जो हमारी पनीर की भुर्जी है वो बढ़िया नहीं बनेगी। बिल्कुल खिली खिली भुर्जी बनाने के लिए हमने पनीर को हाथ से क्रश करके ही डाला है। और अब इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, लगभग 2 मिनट में ही हमारी ये पनीर भुर्जी तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। और अब इसमें हम डालेंगे ताजा हरा धनिया, अच्छे से हमने हरे धनिया को मिला देना है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे जो हमारी पनीर भुर्जी का टेस्ट बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। पनीर भुर्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर हमारा आया है और बिल्कुल खिली खिली हमारी पनीर भुर्जी तैयार हुई है। और अब इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस भुर्जी को आप चावल के साथ, चपाती के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बिल्कुल झटपट तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी पनीर भुर्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।